Hi guys, welcome back to the new vlog. I hope you all are fine, you all are great at your place. So, अभी ये जो है आधा घंटा पहले की वीडियो है जब किचन टूटना स्टार्ट होने लगी थी. डे वन था ये, ठीक है. सो किचन को हम लोग खाली कर रहे थे ताकि किचन टूट पाए. ऑब्वियसली हम सामान को सही तरीके से जब है सारा साथ वाले रूम में शिफ्ट कर रहे थे. तो अभी मैंने सोचा फिर कि थोड़ा चलो शॉट ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ले नहीं सकी मैं, स्टैंड फिर नहीं है मेरे पास अभी. तो ये सेम डे शाम की वीडियो है, ठीक है. टाइल्स वगैरह टूट चुकी थी एंड भैया जो है ना ये वुड वाला जो है ना नीचे वाला इसको निकाल रहे थे. तो ये सारा का सारा डे वन का है, उसके बाद मैं शॉट नहीं ले सकी. सो नेक्स्ट एक सेकेंड लाइट चलाते हैं पहले. ऑल राइट, सो अब जो है आज है आई थिंक फिफ्थ डे. हाँ, तो बीच में तो मैं शॉर्ट्स ले नहीं सकी. तो ओके, अभी हो चुका है ये प्लस्तर गंदे आना इनू, वो हो चुका है प्रॉपर पूरा, ठीक है. अभी ऊपर का ना कुछ डिसाइड नहीं हुआ है लाइट्स वगैरह का, तो वो बाद में पता चलेगा कि लाइट्स का कैसे करना है. सो उस हिसाब से ऊपर का काम होगा. अभी उन्होंने ये सारा का सारा वो कर दिया है. वहाँ पे सामने होना है प्लम्बर का जो काम है ना वो रहता है. सो इसलिए नीचे का नहीं हुआ है अभी, ठीक है. और फर्श भी जो है, फ्लोर जो है वो भी अभी टूटना है. ये तो पुरानी वाली है, न्यू वाली हम आज ही ऑर्डर करके आए हैं और वो भी आ जाएंगी, कल आएंगी वो. लेकिन सो अभी क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो है, ये जो बाहर वाला रूम था वो हमने सारा का सारा किचन बना दिया. ये वाली आप देख सकते हो, वहाँ पे बाबा जी का रूम है. ओ लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, भूल गई मैं. ओके, तो ये वाला जो सारा है इसके मैं लाइट चलाऊंगी ऊपर लेते हैं, पहले इसको वापस लगा दे. ओके एक सेकेंड. ओके, तो ये वाला जो है हमने सारा जो है किचन में, मतलब कि किचन का सारा सामान हमने यहाँ पे लगा दिया है. ये न्यू सिंक है जो आया है, ये वाला ये सिंक है. अरे यार ये खुलेगा कैसे, खोला तो था हमने. ये वाला सिंक है डबल वाला, पहले भी डबल था. ओके, हमने जुगाड़ क्या करा है मैं वो दिखाती हूँ अभी. मतलब यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने के लिए पुराना वाला जो वो है ना वो हमने वहाँ पे लगा दिया, सेट कर दिया कि हमको यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हमने वहाँ पे पुराना वाला लगा दिया क्योंकि ये फेंकना ही था. और वहाँ पे टैप है तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश करने का बना दिया. ये किचन के बाहर का, वहाँ पे गैस लगी हुई है जो अभी ऑफ है. नहीं ऑफ नहीं है, आई मीन कि यहाँ से हमने जुगाड़ करके, मतलब पापा ने जुगाड़ करके यहाँ पे गैस लगाई है. ओके, ये स्टरलाइजिंग पे मैंने शनन की बॉटल्स लगाई हुई है यहाँ पे. ये न्यू वाला है और ये डायपर्स नहीं है. यहाँ पे हमने सारा फालतू का सामान रखा हुआ है, मतलब ये सब कुछ मेस्ड अप है, यहाँ पे कुछ दिखाने का फ़ायदा नहीं है. बट स्टिल दिखा रही हूँ मैं कि ये फ़िलहाल हाल है किचन का. मतलब कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमने किचन को यहाँ पे बाहर वाले कमरे में कैसे मैनेज किया हुआ है. और यहीं पे ना बाहर बालकनी है, सो इसीलिए ज़्यादा पीवी पीवी की आवाज़ आ रही है, वो आएगी ही आएगी, ठीक है. सो इस तरीके से एक बॉक्स जो है हमने यहाँ पे दालों वगैरह के लिए यूज़ कर लिया है, सब कुछ क्लीन क्लीन करके. अभी मैक्सिममली मेस्ड अप रहता है जब जो भैया जो काम करने आता है वो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग वापस से सफाई करते हैं. वहाँ पे हम लोग दोबारा से हम लोग सफाई करते हैं. ये तोड़ दिया भैया ने, यहाँ से तोड़ा है, एक वहाँ से तोड़ा है, सी उधर दिख रहा है, उधर से तोड़ा है. मतलब अब ये भी कुछ ना कुछ रिपेयर करवाना पड़ेगा. और रोज़ ना मेरी हालत बड़ी अजीब सी रहती है. अजीब मतलब कि, मतलब मैं पूरी गंदी रहती हूँ. अभी तो हम लोग टाइल्स वगैरह ऑर्डर करने गए थे तो थोड़ा मैंने, मतलब मेरा मुंह आपको सही नज़र आ रहा है और बाल तो मेरे ऐसे ही हैं. अब सारा काम वाम होएगा ना उसके बाद मैं करवाऊँगी केरा स्मूदिंग, क्योंकि बोटॉक्स तो बिल्कुल भी मेरे सेट नहीं बैठी हेयर पे. तो मुझे किसी ने एडवाइस किया है, मैं कहीं गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि केरा स्मूदिंग कराओ, इट विल वर्क ऑन योर हेयर.
सही रहेगा, अच्छा रहेगा। सो वो मैं करवाऊंगी। सो यस, अभी जैसे जैसे आगे आगे किचन बनती रहेगी ना, मतलब जो हम हमने डिजाइन मतलब कि सोचा है या हमने जो चीज सोची है बनाने के लिए, वैसे जैसे जैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। एंड अपने आप को लेके आऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे बालों की हालत भी बहुत बेकार रहती है, मेरे मुंह की हालत भी ऐसे बनी हुई है, दिस इज समथिंग इंटरनली। सो इसीलिए मैं मुंह को तो हमेशा इग्नोर ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ध्यान देती हूँ अभी, मतलब ध्यान दे रही हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन गंदा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा नहीं इतना मतलब सोचती। सो यस दैट्स इट। एंड अभी देखो आगे क्या होता है। शैनन तो अभी सोई हुई है, इसलिए मैं बहुत आराम से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शैनन अभी जो है वो सोई हुई है। अभी मेरे को उसको लेके जाना है, अभी बाहर रहती थी, एक एक आधा चक्कर ना मैं उसको लगवा देती हूँ बाहर का, फिर वो सेट रहती है, थोड़ा सा देखती है ना, अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा खासा हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको एक एक आधा चक्कर जो है वो बाहर का लगवा देती हूँ। तो अभी जब वो उठेगी तो हम लेके जाएंगे। अभी देखें वो सोई हुई है या उठी हुई है, कुछ मेस यहाँ पे भी है हमारा, एंड कोकोमेलन पड़ा है शरण का, शैनन सोई हुई है। सो अमेजोन पे स्टार्ट होने वाली है सबसे बड़ी सेल, द बिगेस्ट सेल एवर, जिसमें कि आपको 50-80% तक की आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। फैशन एंड ब्यूटी पर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, इसमें किक स्टार्टर डील्स जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली अमेजोन के ऐप पे जाओ या अमेजोन की वेबसाइट पे जाके, amazon.in पे जाके आप जैसे देखोगे सामने सबसे पहले आपको जो है कि क्या कहते हैं द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और किक स्टार्टर डील्स जो है वो आपको दिख जाएंगी। एंड जो भी आपको लेना है आप अभी से ही देख लो, आपको जो जो चीज लेनी है आप शॉर्टलिस्ट करके रख लो, ताकि आपको उस टाइम पे सर्च आउट ना करना पड़े, सर्च अभी करके रख लो और जो डील्स आएंगे उस अकॉर्डिंगली आप ले लेना चीजें जो भी होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये मेकअप वालों के लिए, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास होने ही चाहिए, मस्ट हैव प्रोडक्ट्स अंडर 500, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी और मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ऑल अराउंड जो है बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहली चीज जो हमेशा मैं बोलती हूँ, हमेशा जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, अगर आप प्राइमर में कुछ देख रहे हो, सो दिस इज द वेरी 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 बेस्ट प्राइमर। आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटनिंग प्राइमर, जैसे कि आपको इल्यूमिनेटर इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ऑलरेडी शाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये हाइलाइटनिंग प्राइमर है, ये आपके पोर्स को भी कवर कर देता है एंड आपको ये फेस पे एक आपको हाइलाइटिंग इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी देता है, और ये प्राइमर का वर्क भी बहुत अच्छा करता है, ये आपके मेकअप को जो है लॉन्ग लास्ट बनाता है। सो इसका जो मेरे पास जो शेड है वो है N02 गोल्डन टिंट, और इसका रेट है 349, लेकिन आपको ये हमेशा ही कम प्राइस पे ही मिलेगा, लाइक आपको 250 से कम, 250 से ऊपर, 250 टू 350 के बीच में आपको मिलेगा। सो इसकी जो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, व्हाइट कलर का है, एंड जैसे ही आप इसको यू नो ब्लेंड करोगे, ये आपको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा टिंट दे देगा, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 3 शेड्स हैं इसके अंदर और बहुत ही प्यारे शेड्स हैं सारे के सारे जो भी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी कंसीलर के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट कंसीलर आप किसी से भी सुनोगे ना, या आप अभी कंसीलर लेने का सोच रहे हो, सो मेबलिन फिट मी इज द बेस्ट कंसीलर। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, फुल तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस मैं 80-90% इसकी कवरेज है, ठीक है। सो फुल कवरेज तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जैसे मेरे जैसा फेस है उसको ये फुल कवरेज नहीं देता है, मुझे इसको बिल्डअप करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपकी नॉर्मल इवन स्किन है तो ये आपको फुल कवरेज दे देगा, मतलब आपको कुछ कवर करने की जरूरत है नहीं। सो दिस इज द मेबलिन फिट मी, और इसका जो प्राइस है इज 549, बट यू विल नेवर गेट इट ऑन दिस प्राइस, ठीक है। इसका MRP 549 है, बट आपको ये हमेशा ही 300-350 की रेंज में आपको मिल ही जाएगा, और अभी जो सेल स्टार्ट होने वाली है उसमें तो पता नहीं आपको कितना ही ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो ये जो शेड है मेरे पास इज द 25 मीडियम शेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये ब्लेंडेबल है, मतलब ब्लेंड हो जाता है ये वाला, ठीक है, एंड कवरेज तो आपको देता ही देता है एज आई सेड, ठीक है। थर्ड थिंग जो है इज द बेस्ट फाउंडेशन एवर, दिस इज द मेबलिन
फाउंडेशन 128 वॉमनिट इज माई शेड, ठीक है. सो दिस इज रिटेल्स फॉर भी 750, बट नेवर आपको कभी भी ये 750 की रेंज में तो कभी नहीं मिलेगी. 500 लास्ट इसका प्राइस है, जो आपको अमेजोन पे अभी भी सेल लगी होगी, और जब सेल लगेगी तो आपको और भी ऑफ में मिलेगा. तो अभी आई थिंक इसका प्राइस जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, 500 ही आ रहा था, लाइक 497 प्राइस था इसका, ठीक है. 500 से ऊपर की आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है. और ये है 24 आवर कवरेज. यस, इसकी जो कवरेज है वो बिल्कुल फुल कवरेज है, और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग पावर है इज लाइक 8 to 9 hours. ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ऑयली स्किन के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से 8 to 9 hours तक रहता है, क्योंकि मेरी सुपर ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन भी है. बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, और दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसीज मैं आपको दिखा देती हूँ. बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी जो है ये ब्लेंड हो जाता है सी, और कवरेज तो इसकी है ही है. सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में. सो दिस इज बाय वेट एंड वाइल्ड. आप देखोगे ऑलरेडी हिट द पैन, इनमें आप देखोगे इसमें भी थोड़ा हो चुका है, और इसमें तो बिल्कुल ही आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज द कॉन्ट्यूरिंग पैलेट, लाइक कॉन्ट्यूरिंग के लिए है ये वाला, पाउडर कॉन्ट्यूरिंग के लिए. सो ये है ब्रॉन्जर, आप इससे कॉन्ट्यूर भी कर सकते हो, ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हो. एंड दिस इज द पाउडर, इससे थोड़े लूज पार्टिकल्स हैं, तो आप इसको डस्टिंग के लिए, लाइक यू नो क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग के लिए, या नॉर्मली भी एज अ कॉम्पैक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. सेटिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये. यहाँ पे आप एक कट देते हो ना कभी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. मोस्टली मैं यहाँ पे कट देने के लिए इसे यूज करती हूँ. सो आई एम इन द शेड E749. इस मतलब इसका ना जो वो है ना नेम, काफी डल सील है जो ऐसे करके, मुझे नहीं पता है कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है. सो ये वाला शेड है, मैं नीचे जो है सारी लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो, सो क्लिक कर लेना, आपको पता लग जाएगा. एंड इसकी जो लुक आती है ना ब्रॉन्जर की और इसकी पाउडर की, बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही नेचुरल आती है. मतलब बड़े बड़े पाउडर्स को, ब्रॉन्जर्स को ये फेल करता है, सो बहुत ही अच्छा. और मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के बाद ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअली देखा है, और मैंने कुछ मेकअप आर्टिस्ट को देखने के बाद में ही इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया था, बैक इन लाइक यू नो 2 to 3 years, नहीं उससे ज्यादा ही, शायद 4 years बैक मैंने इसे ऑर्डर किया था, और उसके बाद से मतलब मैं सेम शेड लेती रहती हूँ, ठीक है. मैंने 4 साल पहले इसे यूज करना स्टार्ट किया था. सो लास्टली मैं आपसे बात करूंगी अबाउट दी हाइलाइटर, जो कि आपके मेकअप को एकदम डाउन से एकदम अप पहुंचा देता है. मतलब कि एकदम जीरो से एकदम, अगर आपका मेकअप आपको लग रहा है इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आप हाईलाइटर लगाओगे ना, एकदम से मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा. मतलब आपके फेस को हाईलाइट कर देता है. सो दिस इज द बेस्ट हाईलाइटर इफ यू आर लुकिंग, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कौन सा हाईलाइटर लें, और थोड़ा सस्ता सा भी लेना है, मतलब कि अंडर 500 या अंडर 300 आपको लेना है. आई थिंक आपको ये अंडर 300 में आपको ये मिल जाएगा, ये वाला स्विस ब्यूटी का है ये फ्यूजन हाईलाइटर. मैं इसे इसलिए नहीं खोल रही हूँ क्योंकि ना ये टूटा हुआ है, दरअसल ये गिर गया था. सो आई एम इन द शेड 04. बहुत सारे इसमें शेड्स हैं, जब मैंने भी लेना मतलब लेना चाहा था तो मुझे शेड्स में बहुत कंफ्यूजन हुई थी, बट 04 शेड इज बेस्ट फॉर द इंडियन स्किन टोन. मतलब आपकी स्किन टोन अगर इंडियन स्किन टोन है तो बहुत ही अच्छा शेड रहेगा 04. आई एम टेलिंग यू, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन 04 इज द बेस्ट शेड. सो मैं आपको इसको एक बार ही थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, गिरेगा बहुत ज्यादा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, स्क्वायर सा, बहुत ही अच्छी सी इसकी पैकेजिंग है, स्टर्डी सी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है. और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ. ओके, सो सी कितना ब्लाइंडिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हाईलाइटर है ये वाला. इफ यू आर लुकिंग फॉर, और भी मैं अच्छे अच्छे हाईलाइटर्स देख रही हूँ, बहुत ही जल्दी यू नो आई एम गोना बाय अ लॉट, मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाए कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मैं बाय कर रही हूँ फ्रॉम अमेजोन ऑब्वियसली. और मैं वेट कर रही हूँ ग्रेट इंडियन अमेजोन सेल का, इंडियन फेस्टिवल सेल का, वहां पे मैं देखूँ. लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऑर्डर मुझे करना है, तो वो भी मैं करूंगी. सो यस, ये सब चीजें मुझे आपको दिखानी थी, और आई थिंक मैं वीडियो को भी यहीं पे ही एंड करूंगी. ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे ही एंड होगा. सो आई होप आपको ये व्लॉग और ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड नाउ आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो सून. सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द अमेज़न सेल, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लो.